पाकिस्तान के अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर में रैली होने वाली है। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता को बताएंगे प्रधानमंत्री। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में दर्शन पूजन भी करने वाले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और अजमेर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। साथ ही वो दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों का बिगुल भी फूंक देंगे। आपको बता दें कि अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में होने वाली जनसभा को लेकर बीजेपी पिछले एक सप्ताह से भीड़ जुटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। पीएम मोदी की इस रैली में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। इधर प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में संपर्क से समर्थन कार्यक्रम की शुरुआत भी की जानी है। तो राजनीतिक मायनों में पीएम मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो चला है। विधानसभा चुनावों को लेकर अहम माना जा रहा है। वर्तमान की अगर बात करें तो अजमेर संभाग की 29 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास महज 13 सीटें हैं। कांग्रेस भी बीजेपी के बराबर 13 सीटों पर काबिज है, यानी कि मुकाबला सीधे सीधे टक्कर का। और सबसे बड़ी बात यह कि अजमेर की जब बात होती है तो अजमेर से पूरा राजस्थान सदता है। और पिछली बार भी कैंपेनिंग की शुरुआत दीपिका प्रधानमंत्री ने अजमेर से ही की थी। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 9 साल भी पूरे हो रहे हैं, उसी को लेकर लगभग एक महीने तक जनसभाओं का आयोजन भी हो रहा है। उसके मद्देनजर ये भी बहुत खास और बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाना भी है। विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक है, इस पर फोकस करना है और लोगों में अपनी विश्वसनीयता को कायम भी रखना है।